नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति श्रीवास्तव। कुंभ राशि वालों के लिए नया साल कैसा जाएगा, जानिए इस वीडियो के दौरान। कुंभ राशि वालों के लिए वैसे नया साल थोड़ा सा अच्छा नहीं है, वह कोशिश करें कि नए साल से आने से पहले ही अपनी नौकरी की व्यवस्था कर लें, क्योंकि यदि नौकरी के प्रयास नहीं करते हैं तो उनके नए साल में नौकरी की वजह से बहुत सारी परेशानियां आकर खड़ी हो सकती है। यदि कुंभ राशि वाले चाहते हैं कि उनके जीवन में कोई भी परेशानी ना रहे तो उसके लिए उन्हें प्रयास करना होगा, ताकि प्रयास करने से उनको कोई भी नौकरी या फिर कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से उनका साल अच्छा गुजर जाए। हो सकता है इस नक्षत्र में नए साल में उन्हें कोई लाइफ पार्टनर भी मिल सकता है, और यदि नहीं भी मिला तो कोई लवर्स की तरह उनके जीवन में आ सकता है, और आने का मतलब ये है कि वह उसके साथ जल्दी ही घुल मिल जाएगी। यदि वह चाहते हैं कि अपने जीवन में उनके लाइफ पार्टनर के साथ उनकी अच्छे से बने, तो अपने लाइफ पार्टनर के शुरुआती दिनों में यानी कि नए साल के शुरुआती दिनों में आप कोशिश करते रहें, ताकि आपके प्रयास निष्फल ना हो। आप अपनी नौकरी के लिए भी प्रयास करें, ताकि आपकी नौकरी की वजह से भी आपके जीवन में कोई भी परेशानी ना आए। यदि कुंभ राशि वाले चाहते हैं कि उनका जीवन अच्छे से बीते, तो वह बच्चों से लेकर बड़ों तक सबका आदर सम्मान करें। कोई भी व्यर्थ के बाद विवाद में बिल्कुल ना उलझे। किसी के साथ भी यदि विवाद हो रहा है तो वह जल्दी से साइड ले ले या फिर अपनी पत्ती गली से मुड़ ले, क्योंकि ऐसा करने से उनका नया साल बिगड़ेगा नहीं। और यदि वह किसी व्यर्थ की बात विवाद में फंस जाते हैं तो उनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अपने माता पिता के साथ अच्छे से बनाएं और अपनी बहनों के साथ भी हमेशा खुश रहें। देखा जाता है कि कुंभ राशि वालों के अपने भाई बहनों से ज्यादा लड़ाई या झड़प होती है, तो आप इस साल में अपने शुरुआत में कभी भी भाई बहनों से लड़ाई झगड़े ना करें। मध्य तक आपका नया साल मध्य में ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको प्रयास करने की ज्यादा जरूरत है। उपाय ये है कि आप अपने अन्याय से बचें, यानी कि किसी पर भी अन्याय करने से बचें। गरीबों से हमेशा सहमत रहें, हमेशा उनसे लड़ाई झगड़े या फिर उन्हें झड़प लेना। और सलाह यह है कि व्यर्थ के वाद विवादों से दूर रहें, और साल के अंत तक आपको कोई ना कोई अच्छी कोई ना कोई खुशी मिल जाएगी। लेकिन साल आपका थोड़ा मिला जुला है, आप उसे थोड़ा ठीक करने के लिए इन उपायों को जरूर करें। यदि आप साल भर तक इन उपायों को करते हैं तो आपको जल्दी ही कोई ना कोई अच्छे परिणाम जरूर मिलेंगे। और मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए मैं प्रीति श्रीवास्तव आपसे इजाजत लेती हूँ।